रे मामा, एक कहानी है जिसमें क्राइम है, थ्रिलर है, सस्पेंस अय्यासी है, एक्शन है, धोखाधड़ी है, गन गोली बारूद माने पूरा बैटल ग्राउंड है। और इस कहानी का जो किरदार है उसने शुरुआत की थी चोरी से, और फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बना, एक बड़ा मंत्री बना, फिर भी चोरी करने की आदत मरते दम तक छूटी नहीं। उसने जब पहली चोरी की तब वो फटेहाल था, छोटा सा बच्चा था, लेकिन धीरे धीरे पूरे एशिया का सबसे बड़ा कार चोर बन गया, केंद्र में मंत्री तक बना और इतना ताकतवर बना कि भारत में विस्फोट करने लगा, लाल कृष्ण आडवाणी की हत्या की प्लानिंग करने लगा, अफगानिस्तान से हथियारों की स्मगलिंग करने लगा, ड्रग्स की स्मगलिंग करने लगा, फेक करेंसी को भारत की बाजारों में पहुंचाने लगा। यही नहीं, उसने एक हाईटेक किला बनवाया था जहां मुंबई अंडरवर्ल्ड के बड़े बड़े क्रिमिनल पुलिस से बचने छिपा करते थे। इंडियाज मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम भी जिससे सलाह मशवरा करता था, पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के साथ वह उठता बैठता था। इतना खतरनाक क्रिमिनल जो पॉलिटिकल कपड़े पहन कर न जाने कितने गुनाह कर चुका था, जो भारत को तोड़ने हर मुमकिन कोशिश करता था। इस आदमी को सलाखों के पीछे डालने में भारतीय इंटेलिजेंस ने दिन रात एक कर दिया था, जो कभी पुलिस के हाथ तक नहीं लगा। वो एक दिन काली अंधेरी रात में एक सड़क पर खून से लथपथ आखिरी सांसें गिन रहा था। बॉडी में 9mm की गोलियों का लोहा भरा पड़ा था। छोटा राजन गैंग ने उसे गोलियों से भून डाला था। वो आदमी नेपाल की केंद्र सरकार में एक बड़ा मंत्री था, सरकारी, और उसका खुद का सुरक्षा घेरा था। नेपाल में घुसकर उस आदमी के घेरे को तोड़कर उसे मारना सोचने में जितना आसान लगता है उतना आसान था नहीं, पर छोटा राजन गैंग ने वो कारनामा कर दिखाया था। और इस कहानी के उस किरदार का नाम है मिर्जा दिलशाद बेग। मुंबई अंडरवर्ल्ड के एपिसोड में आज की कहानी स्याही से नहीं, खून से लिखी गई है। कम छो मजा मा, अरे मामा, अब चैनल पर नए हो तो आज ना सांड बन जाओ, बेल आइकन की पुंगी बजा दो, सब्सक्राइब बटन की तो वाट लगा दो, तहलका मचा दो। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में कस्बा है देवरिया, और यहाँ एक गांव है भैसाही, और इसी गांव में जन्मा था मिर्जा दिलशाद बेग। शुरुआत इसने कार चोरी से की थी, धीरे धीरे वह कार चोरी में खूब पैसा बनाने लगा, फिर चोरी की हुई कारों को लेकर वह नेपाल जाने लगा, फिर वहां उसकी बिक्री करने लगा। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगा कि भारत से ज्यादा नेपाल सुरक्षित ठिकाना है, पुलिस की उतनी झंझट नहीं है, वहीं चोरी की कारों के ग्राहक भी यहाँ आसानी से मिल जाते हैं। वह अब नेपाल शिफ्ट होने का प्लान बनाने लगा। ये 80 के दशक के आखिरी सालों की बात है। दिलशाद बेग अब तक UP से आगे मुंबई तक अपनी जड़ें फैला चुका था। उसकी चोरी की गई कारें डी कंपनी में बड़े पैमाने पर यूज होती थी। यहाँ दाऊद से उसकी यारी दोस्ती हो गई। उन दिनों दाऊद भी मुंबई पर कब्जा कर रहा था। दाऊद के जरिए छोटा शकील छोटा राजन, वही अमर नाइक, अरुण गवली जैसे बड़े बड़े डॉन माफिया के साथ वह उठने बैठने लगा। लेकिन जब भारत में उसे खतरा महसूस हुआ तो वह नेपाल चला आया, क्योंकि नेपाल में भी उसने बड़े बड़े कनेक्शन बना लिए थे। वह 80 के दशक के आखिरी साल में नेपाल हमेशा हमेशा के लिए चला आया। नेपाल आते ही उसने सबसे पहले अपनी चोरी की गई कारों के लिए एक बड़ा गैरेज बनवाया जो कई एकड़ में फैला था, और भी यहाँ बड़े पैमाने पर उन कारों की बिक्री होने लगी। धीरे धीरे नेपाल के अलावा पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, अफगानिस्तान से लोग चोरी की गई कारों खरीदने आने लगे। मिर्जा दिलशाद बेग के बारे में एक बात फेमस है कि जब भारत के मुंबई दिल्ली जैसे बड़े बड़े शहरों में जब कोई महंगी कारें चोरी हो जाती थी तो उन कारों के मालिक पुलिस की बजाय नेपाल मिर्जा के पास आते थे। यहाँ उनकी कार उन्हें मिल जाती थी, बदले में उन्हें पैसे देने पड़ते थे। खैर, मिर्जा दिलशाद बेग अब अंडरवर्ल्ड की दुनिया में एक बड़ी हस्ती बन चुका था। उसे कार किंग कहा जाने लगा था। पूरे नेपाल में उसकी पकड़ बन चुकी थी। उसने नेपाल के कृष्णनगरी में किला नुमा एक हाईटेक महल बनवाया जहाँ हथियारों से लैस बॉडीगार्ड हर वक्त तैनात होते थे। मानो ये महल मिर्जा दिलशाद बेग के लिए किसी लंका से कम नहीं था, और मिर्जा उस लंका का रावण से कम नहीं था। और मिर्जा के इस ठिकाने पर दाऊद के लोग मुंबई में अपराध कर छिपने आया करते थे। दाऊद ही नहीं, भारत के जितने भी दुश्मन थे उनके लिए काठमांडू का मिर्जा दिलशाद बेग का यह ठिकाना किसी सेफ हाउस से कम नहीं था। मिर्जा दिलशाद बेग
भारत के सारे दुश्मनों को यहाँ पनाह देता, उनकी मदद करता, उन्हें सारी सुख सुविधाएं दिलवाता। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हो कि वो आदमी कितना पावरफुल होगा। लेकिन अब भी उसे ये पावर कम पड़ रही थी। वह पॉलिटिक्स में उतरा, नेपाल का कानून उसकी जेब में लेना चाहता था। अब यहाँ मिर्जा बेग क्या करता है मालूम? तो सुनो मामा, नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है, यहाँ थोड़े बहुत मुस्लिम भी रहते हैं। मिर्जा बेग यहाँ मुस्लिम कार्ड खेलता है। वह मुसलमानों को भड़का कर उनका मसीहा बन गया, उनके लिए आवाज़ उठाने लगा। और जब चुनाव आया तो 1994 में नेपाल के कपिलवस्तु के तराई जिले से भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता और इस तरह लगातार 2 बार नेपाल की केंद्र सरकार में मंत्री बना। सोचो, भारत का नागरिक, कई लोगों की हत्या करने वाला, तरह तरह के अपराध करने वाला एक क्रिमिनल नेपाल की पार्लियामेंट में मंत्री बन गया। ऐसा आदमी जब मंत्री बन जाए, उसके हाथों में पावर आ जाए, फिर वो क्या क्या नहीं करेगा। मिर्जा बेग ने भी वही किया, भारत में कई तरह के अपराधों को अंजाम दिया। उधर नेपाल में वो एक राजनेता के रूप में जाना जाने लगा, लेकिन वो अपनी आदतों से कभी बाज नहीं आया। जब अबू सलेम ने टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार की हत्या करवाई, तब अबू सलेम के सूत्रों को नेपाल में इसी मिर्जा बेग ने पनाह दी थी। जब ये बात मुंबई क्राइम ब्रांच को पता चली तो उन्होंने मिर्जा बेग पर शिकंजा कसने की कोशिश की, लेकिन अपने राजनीतिक पावर का इस्तेमाल कर वह बचता रहा। अब मिर्जा बेग ने भारत को तोड़ने पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और पाकिस्तान में छिपे दाऊद के लिए काम करना शुरू कर दिया था। मिर्जा ने अफगानिस्तान से भारत में हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी। वहीं पाकिस्तान में बन रही भारतीय फेक करेंसी को भारत में लाने का काम भी मिर्जा बेग ही करता था। यही नहीं, भारत के बड़े बड़े शहरों में ड्रग्स की सप्लाई भी उसने शुरू कर दी थी। यही नहीं, उसने और एक बड़ा कांड करवाया था, कोयम्बतूर में बम ब्लास्ट करवाया था उसने। अगर देखा जाए तो दाऊद के बाद देश का सबसे बड़ा दुश्मन कोई था तो वह मिर्जा दिलशाद बेग ही था। लेकिन अब उसके पापों का घड़ा भरने वाला था। वह एक ऐसी गलती करने वाला था जिसने उसके बने बनाए साम्राज्य को ध्वस्त कर दिया। दरअसल 1998 में दाऊद की बेटी का इंतकाल होता है। ये बात छोटा राजन को पता चली। राजन ने अपने 8 शूटर दाऊद को मारने कराची भेजे, क्योंकि राजन को पता था दाऊद इस बार अपने सेफ हाउस से बाहर जरूर निकलेगा और उसे मारना आसान रहेगा। इधर राजन के 8 शूटर दाऊद को मारने कराची पहुंच गए। दाऊद भी उस दिन दरगाह पर मत्था टेकने बाहर निकला, लेकिन मिर्जा बेग ने दाऊद को खबर दे दी कि राजन के लोग तुम्हें मारने कराची पहुंच चुके हैं। और इस खबर से दाऊद चौंकना हो गया और बच गया। इसके बाद दाऊद ने राजन से बदला लेते हुए छोटा राजन पर बैंकॉक में हमला करवाया और उसमें राजन बाल बाल बचा। इन दोनों घटनाओं ने छोटा राजन के दिल में मिर्जा बेग के लिए नफरत भर दी और अब वह किसी हाल में मिर्जा बेग को ठोकना चाहता था। 20 जुलाई 1998 को इंडिया टुडे में छोटा राजन का इंटरव्यू आता है और वह पूरी दुनिया के सामने खुलेआम बोलता है, हाँ मैंने ही मारा है दिलशाद बेग को। राजन के ये लफ्ज़ सुनकर दाऊद इब्राहिम भी पूरी तरह हिल गया था। खैर, मिर्जा बेग को मारने की एक नहीं तीन थियरी सामने है। राजन के बाद 2 और लोगों ने मिर्जा बेग को ठोकने का दावा किया था। मिर्जा बेग को कैसे मारा गया होगा? तो सुनो मामा, छोटा राजन ने अपने खास आदमी को ये काम सौंपा था। राजन उस वक्त कहाँ था कोई नहीं जानता था, वो बाहर भी नहीं आ सकता था, पर वह मिर्जा को खल्लास करना चाहता था। राजन के फरमान के बाद उसके राइट हैंड ने नेपाल में छिपे अपने कुछ शार्पशूटरों को एक्टिव कर दिया और उन शार्पशूटरों ने मिर्जा बेग का बायोडाटा निकाला। तब उन्हें पता चला ये मामू तो रंगीला है रे। दरअसल मिर्जा बेग को नई नई लड़कियों का बहुत बड़ा शौक था, पूरा रंगीला आदमी था। यही नहीं, उसने 2-2 शादियां कर रखी थी और उसकी दोनों बीवियां अलग अलग रहती थी। सूटरों ने सारी रैंकी कर ली थी कि मिर्जा बेग कब और कहां अपनी बीवियों से मिलने जाता है। 29 जून 1998 रात के 9:30 बज रहे थे। मिर्जा बेग उस रात अकेला अपने ड्राइवर के साथ चाबाहिल में रह रही अपनी दूसरी पत्नी से मिलने आया हुआ था। इधर राजन के भेजे सूटरों को ये सब पहले से मालूम था। ये लोग घात लगाकर वहां खड़े थे। जैसे ही मिर्जा बेग वहां आया, अपनी गाड़ी से उतरा कि चारों ओर से धड़ाधड़ गोलियों की बौछार शुरू हो गई। इस गोलीबारी में मिर्जा बेग और उसका ड्राइवर वहीं मारे गए। दूसरे दिन इस हत्याकांड ने पूरे नेपाल समेत अंडरवर्ल्ड में तहलका मचा दिया। दाऊद भी हिल गया। वहीं दूसरी थियरी यह है कि यूपी का एक बड़ा गैंगस्टर है बबलू श्रीवास्तव। बबलू पहले दाऊद के साथ काम करता था। कहते हैं दाऊद भी उससे कहीं ना कहीं डरता था। वहीं मिर्जा बेग और बबलू श्रीवास्तव के बीच
अच्छे रिश्ते थे और मिर्जा बेग ने बबलू को नेपाल की सिटीजनशिप का पासपोर्ट दिलवाया था, लेकिन जब वह वॉशिंगटन में पकड़ा गया तो मिर्जा बेग ने उसकी कोई मदद नहीं की। इस बात से वह मिर्जा को अपना दुश्मन मान बैठा था और मिर्जा की मौत के बाद बबलू श्रीवास्तव ने भी दावा किया था कि मेरे शूटरों ने मिर्जा को मारा है। वहीं नेपाल का एक बड़ा शार्प शूटर सफी मोहम्मद खान भी था, जो मिर्जा बेग के लिए मुंबई अंडरवर्ल्ड में काम करता था। लेकिन जब मुंबई पुलिस ने उसे ड्रग्स की स्मगलिंग के केस में गिरफ्तार किया तो मिर्जा ने उसे छुड़ाने में कोई मदद नहीं की। इससे सफी खान भी मिर्जा को मारना चाहता था। उसने भी दावा किया था कि मैंने मारा है मिर्जा दिलशाद बेग को। हालांकि मिर्जा को किसने मारा आज तक ये राज ही बना हुआ है, पर एक बात साफ है, भारत का सबसे बड़ा दुश्मन 1998 की उस रात नेपाल की सड़क पर खून से लथपथ आखिरी सांसें गिन रहा था। तो ये थी कहानी। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।